हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, फैक्टराइजेशन में से एक्सरसाइज 12.2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 12.1 कंप्लीट कर ली है, एंड जिसमें हमने फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड किया है। एंड आई होप आप सब ने वीडियो देख लिया। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी प्लेलिस्ट सुपर मैथ स्टार में से इजिली मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो स्टूडेंट नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए 12.2 में हमें क्या करना है, अगेन फैक्टराइज ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमें 12.1 में भी अपनी जो फ्रैक्शन थी, पॉलिनोमियल्स बोल लो, एक्सप्रेशन बोल लो, आपको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। इसमें भी फैक्टराइज ही करना, जैसे मैंने आपको समझाया था इन द नेक्स्ट, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी 12.1, उसमें हमने क्या किया था लास्ट एक्सरसाइज में। ये सबसे पहले हमने देखा कॉमन, जब कॉमन ही आया था, ग्रुपिंग या रीअरेंजिंग करके हमने कॉमन फाइंड किया। देन अब आपको क्या करना है, किसी सम में आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक सम है, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 12.2 का, फैक्टराइज ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, कॉमन देखना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, सब में से थ्री की थ्री टर्म्स में से एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एंड हम इसकी रीअरेंजिंग एंड ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ दो नंबर्स की ग्रुपिंग होगी, ये नंबर तो एज इट इज ही रह जाएगा, इसका तो किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो थर्ड मेथड है वो आता है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज़ को यूज़ के फैक्टराइज करना। अब हमारी कितनी आइडेंटिटीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो फर्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक यूज़ होगी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं दो आइडेंटिटीज से हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी है। एक नेक्स्ट आइडेंटिटी है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये देखना है हमारी जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म बी, तो आपके पास फर्स्ट टर्म की प्लेस में एक्स है और सेकंड टर्म की प्लेस में अभी 64 नहीं है, वो हमने देखना है क्या आएगा। तो आपको जब भी आइडेंटिटी लगानी, आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो ये फॉर्मेट में हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab को मल्टीप्लाई करके ये आया होगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट में भी स्क्वायर होता है, लास्ट में भी स्क्वायर होता है, तो आपको देखना है फर्स्ट नंबर तो ऑलरेडी आपका स्क्वायर है, बीच में अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 64 होता है 8 का, तो हम लिखेंगे 8 स्क्वायर, 8 8 64 होता है, मैंने लिख दिया 8 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 16 नहीं लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 16 आपके फॉर्मूला में क्या है, आइडेंटिटी में 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू। अब b है हमारे पास 8, यहाँ पे क्या 8 का स्क्वायर ना, तो स्क्वायर नहीं लिखना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक से, अगर यहाँ स्क्वायर इसको ब्रैकेट में रख लिया करो अगर कन्फ्यूज होते हो, तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर मीन्स 64, 8 को दो बार मल्टीप्लाई करना, 8 8 64। अब देखिए जैसे हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर है इसका, क्वेश्चन क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो बी है हमारे पास वो है 8 2 8 16x, तो कंप्लीट ही हो रहा है, इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना, दोबारा से 16x नहीं लिखना, बस हमारे पास आंसर था, हमने उसको क्वेश्चन फाइंड कर लिया, x प्लस 8 की पावर 2 मीन्स इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर होनी चाहिए पहले, तो हम सब यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, बस हमारे पास है 9 6b प्लस b स्क्वायर, तो हमें इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 स्क्वायर और बी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है p, तो जो यहाँ पे नंबर है p का स्क्वायर मीन्स हमारी वैल्यू ओनली पी है, स्क्वायर तो बाहर आना ही आना, ये देखिए ये स्क्वायर तो बाहर आना ही आना है आइडेंटिटी का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6p इज प्लस पी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर,
ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसको तो ऑलरेडी है 25 किसका हो सकता है, 5 का, 5 5 जो 25, यहाँ हो जाएगा 2 × a × 5, 2 5 जो 10 और साथ में a 10 है, आंसर किसका बनेगा, a माइनस 5 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आंसर यहाँ पे होता है ना साइन a और b, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ भी, और आपके फर्स्ट में भी a और b टर्म पॉजिटिव थी, नेगेटिव टर्म हमेशा सेंटर वाली टर्म के साथ आ सकती है, तो जो साइन यहाँ पे है ना सेंटर वाली टर्म के साथ 2ab के आगे, वही आपको अपने आंसर में लगाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अगेन हमारी ये टू आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमें इस फॉर्म में दिया है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो आपको कौन सी फॉर्म दी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमें आंसर इस फॉर्म में लिखना है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, जब भी आपके पास 1 आ जाए तो हम 1 को उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × 1 1 नहीं होता है। देन माइनस प्लस 9, अब देखिए 9 क्या है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो आपके पास है 9x का स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर है ना, तो आप क्या लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 3x की पावर 2। देन ब्रैकेट यहाँ पर हमें क्या लिखना है सेंटर में, 2 × 1 × 3x। देखिए आपको क्या लिखना होता है, a यहाँ पे a आना है, तो a आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दैट इज 1, एंड b होता है आपकी सेकेंड टर्म की वैल्यू दैट इज 3x। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना, बीच वाले नंबर आते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। देन अब आपका आंसर क्या बन गया, a मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, आ गया आपका आंसर, सो सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट को देखना है पहले, अगेन हमने सीधा हम आइडेंटिटीज नहीं लगा रहे हैं, कि क्वेश्चन में आपको पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना, बीच में किसी में कॉमन फाइंड कर रहे हैं, किसी में हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे, लिखा तो फैक्टराइज होगा। अगेन देखिए 4, 20 और 25 सारे नंबर्स एक टेबल में नहीं जाते, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी और बी, यहाँ पे ए नहीं है, तो ए होता तो हम ए सब में से कॉमन निकाल लेते, तो 3 की 3 टर्म में से एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ग्रुपिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2a का होल स्क्वायर आ गया, कैसे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया 4a स्क्वायर है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a ऑलरेडी स्क्वायर था, तो 2a का कंबाइंड स्क्वायर बाहर लिख दिया। ऐसे ही 25 होता है 5 का स्क्वायर और कंबाइंड। अब आपने ध्यान देना है जब a स्क्वायर लिखे वो सिर्फ a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 का स्क्वायर नहीं है, जब हम ब्रैकेट बनाते हैं दोनों का, इसलिए बाय मिस्टेक आपने इसकी प्लेस में ये नहीं लिखना, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ए के स्क्वायर को, जबकि हमें दोनों का स्क्वायर दिखाना है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2a × 5p, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया यहाँ पे आना होता है ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू, तो आंसर कैसे बनता है, फर्स्ट टर्म जो साइन होता है 2 के आगे 2ab के आगे माइनस है, एंड आपकी सेकेंड टर्म, तो ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट हमें देखिए 14 किसका स्क्वायर है, 7 का, एक्स का ऑलरेडी है, तो 7x का होल स्क्वायर प्लस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6y का होल स्क्वायर हो गया, 2 × 7x × 6y, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आने, जो ब्रैकेट में है वही आना है। देन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब 7 सम में देखिए आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दो ही टर्म्स हैं, एंड दो टर्म्स है तो आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही, आइडेंटिटी में 1, 2, 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 × a × b, तो ab मल्टीप्लाई होकर ab आएगा, माइनस 4ab एज इट इज। देन अब देखिए 2ab एंड 4ab दोनों लाइक टर्म्स हैं ना, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2ab माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2ab एज इट इज, 2ab आ गया। अब साइन किसका आएगा, बाय डिजिट का, 4 के आगे माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। अब अगेन अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है सेकेंड का भी, और बीच में 2ab भी है, 2 फर्स्ट टर्म a और सेकेंड टर्म भी है, तो आपका आंसर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 8th पार्ट में आपके पास पावर क्या आ गई, 4, तो हमें जो आइडेंटिटी है हमारी वो है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की,
तो आपको पहले अपनी पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 2। हमने ब्रेक कर दिया, पावर 4 थी तो हमने 2 अंदर और 2 बाहर लिख दिया। बाहर हमें पावर स्क्वायर में ही लेके आनी है, तो हमने ऐसे लिख दिया। प्लस y को कैसे लिख सकते हैं, अगेन 2 into 2, तो 2 2s 4 ही आएगा, तो हमने पावर को कर लिया ब्रेक। देन अब आपके इस क्वेश्चन के लिए ए की प्लेस पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड बी की प्लेस पे है वाई स्क्वायर। देखिए तो आइडेंटिटी क्या होती है, ब्रैकेट में सेंटर में आना होता है 2 multiply ए की वैल्यू, ए हमारे लिए एक्स स्क्वायर है और बी क्या है वाई स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर है। जो बाहर स्क्वायर आता है वो आइडेंटिटी क्या है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर नहीं लिखना है, पर ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास कोई कहीं भी स्क्वायर है तो आप वो स्क्वायर लिखेंगे। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, ए आपके लिए तो ए ये है प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू अगर स्क्वायर में भी हो ना तो आपको एज इट इज लिखनी है, बट ध्यान देना है वो ए की वैल्यू है, बाहर वाला स्क्वायर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, वो यहाँ पे आता है कंबाइन। अगेन देखिए 9th पार्ट में एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी, तो हम एक्स वाई का लिख देंगे होल स्क्वायर, कंबाइन लिख देंगे दोनों का था। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड 3 और z का हम लिख देंगे कंबाइन होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 multiply xy, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी क्या है आपके लिए 3z, 3 2 3 6 xyz इसी से बना, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट टर्म माइनस जो साइन यहाँ पे है सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में जब स्क्वायर है मीन्स आपके 2 फैक्टर आ रहे हैं एज इट इज सेम, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों ही आपके फैक्टर्स एग्जैक्टली पावर 2 मीन्स 2 बार लिखना। हम आंसर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आंसर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 12.2 अच्छे से फिनिश, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर है, इनकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।